वन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट फास्ट फैशन जाइंट और स्पैनिश कंपनी इंडिटेक्स ग्रुप का फ्लैगशिप ब्रांड जारा, जो फेमस है अपने स्टाइल और अपने फैशन के लिए, वो कॉन्ट्रोवर्सीज और एलिगेशन से अलग नहीं है। ओवर द इयर्स जारा पर कुछ सीरियस एलिगेशन लगे हैं, जैसे फोर्स्ड लेबर, प्लेजरिज्म, कॉन्ट्रोवर्शियल मार्केटिंग एंड एनिमल क्रुएलिटी, एंड ऑल ऑफ दिस लीड्स अस टू क्वेश्चन हाउ एथिकल इज जारा। लेट्स अंडरस्टैंड ईच वन ऑफ देम। पहला एलिगेशन फोर्स्ड लेबर का। 2011 में साओ पोलो ब्राजील में 30 फैक्ट्रीज को इन्वेस्टिगेट किया गया जहां स्लेव लेबर प्रैक्टिस किया जा रहा था। यहां काम करने वाले ज्यादातर लोग बोलीविया और पेरू के माइग्रेंट्स थे, जो 16 से 19 घंटे काम करते थे। उसके बाद भी इन्हें कम से कम वेजेस दी जा रही थी। इनमें कुछ माइनर्स भी थे। इसी के साथ इनकी फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को भी रिस्ट्रिक्ट किया गया था। जारा की 90% ब्राजीलियन प्रोडक्शन इन्हीं फैक्ट्रीज में हो रही थी। जब ये चीज सामने आई तो जारा ने इन सारे क्लेम्स को डिनाई किया। सिर्फ यही नहीं, 2017 में टर्किश रिटेल कंपनी ब्रेवो टेक्सटाइल, जो जारा के लिए मैन्युफैक्चर करती थी, उसके वर्कर्स की कंडीशन इतनी खराब थी कि वर्कर्स ने कपड़ों में अपनी अपील्स को स्टिच करना शुरू किया ताकि कस्टमर्स को उनकी कंडीशन के बारे में पता चले। जब जारा के स्टोर्स में लोगों ने इन अपील्स को देखा तब ये बात सामने आई। सिमिलर इंसिडेंट्स 2023 में जारा की कैनेडियन ब्रांच में भी सामने आई। नाउ दिस क्लियरली शोज कि जारा की सप्लाई चेन कितनी कॉम्प्लेक्स और अनएथिकल है और वो बेसिक ह्यूमन राइट्स को वायलेट कर रही है। एक कंपनी जो खुद बिलियंस ऑफ डॉलर्स कमा रही है, जिसने सिर्फ पेंडेमिक में 1.05 बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट कमाया, उसके वर्कर्स को बेसिक वेजेस भी नहीं मिल रहे हैं। दूसरा, प्लेजरिज्म। जारा के ऊपर ये मेजर एलिगेशन है कि जारा इंडिपेंडेंट और नॉन फेमस आर्टिस्ट के डिजाइन को कॉपी करता है। 2016 में एलए बेस्ड डिजाइनर ट्यूसडे बसेन ने ये ट्वीट किया और ये मेंशन किया कि किस तरह से जारा के डिजाइन उसके डिजाइन से रिजेंबल करते हैं, जिसके बाद 40 और इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट सामने आए और उन्होंने जारा को इस सेम चीज के लिए कॉल आउट किया। एक पिक्चर भी सर्कुलेट हुई सोशल मीडिया पर, जिसमें ये दिखाया गया कि किस तरह से जारा के डिजाइन और बाकी आर्टिस्ट के डिजाइन 90% सेम है, और ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट्स सामने आते रहते हैं। थर्ड, कॉन्ट्रोवर्शियल मार्केटिंग। दिसंबर 2023 में जारा ने द जैकेट कैंपेन को लॉन्च किया, जिसके पिक्चर्स में देखा गया कि जो मॉडल्स हैं वो व्हाइट कलर की बिना लिम्स वाली मैनिक्विंस को शोल्डर्स पर कैरी कर रही हैं। लोगों ने इस चीज को कंपेयर किया विद द ऑनगोइंग डिस्ट्रक्शन इन गाजा। इवन बैकयार्ड में जो प्लास्टर बोर्ड है वो भी पैलेस्टीन के मैप को रिजेंबल करता है। लोगों ने इसके अगेंस्ट सोशल मीडिया पर अपना गुस्सा दिखाया। यही नहीं, लोगों ने पब्लिकली प्रोटेस्ट भी किया और जारा को ऐसी थीम चूज करने के लिए कॉल आउट किया, स्पेशली एट द टाइम व्हेन द वर्ल्ड इज गोइंग फ्रॉम सो मच। इसी के साथ बॉयकॉट जारा ट्रेंड होने लगा। इतने सारे पब्लिक प्रोटेस्ट को देख के जारा ने इस एड कैंपेन को विड्रॉ कर लिया। अब कुछ एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये जारा की एक स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये पहला ऐसा इंसिडेंट नहीं है। पास्ट में भी ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं जहां पर जारा की एड्स ने कॉन्ट्रोवर्सीज क्रिएट की हैं। जारा की स्ट्रैटेजी है ये फॉर फ्रंट पे रहने की और ट्रेंडिंग में रहने की, लेकिन इस इंसिडेंट से जारा की रेपुटेशन काफी ज्यादा हैम्पर हुई थी। एक और चीज जिसके लिए लोग जारा को कॉल आउट करते हैं इज इट्स एनिमल वेलफेयर पॉलिसी। अगर आप उनके पॉलिसी का फोर्थ पॉइंट रीड करो तो उसमें लिखा है कि जारा किसी भी कॉस्मेटिक को एनिमल्स पर टेस्ट नहीं करता। इसी का फर्स्ट पॉइंट ये कहता है कि जारा 5 फ्रीडम ऑफ एनिमल्स का ध्यान रखता है, कि जिन एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को वो यूज कर रहे हैं उन एनिमल्स को एथिकली ट्रीट किया जा रहा है। दे हैव अ राइट एक्सेस टू फूड, हेल्थ एंड शेल्टर। लेकिन सेकेंड पॉइंट कहता है कि जारा मीट इंडस्ट्री के स्लॉटेड एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को यूज कर रहा है। हाउ फेयर इट इज, क्योंकि अगर आप मीट इंडस्ट्री के बाय प्रोडक्ट्स को भी यूज कर रहे हो तो इन अ वे आप उस चीज को एनकरेज कर रहे हो। तो कितना फेयर है एनिमल वेलफेयर की बात करना और फिर स्लॉटेड एनिमल्स के प्रोडक्ट्स को अपनी ही चीजों में यूज करना। सो वट डू यू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस? डू लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन, एंड फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की फॉलोइंग।